फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं, आप अपने वेबसाइट पर वेब पुश नोटिफिकेशन कैसे सेट कर सकते हो, किसी को भी कैसे इस तरीके से नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो। और जैसे ही कोई बंदा यहाँ पर अलग से दे देता है, तो आप जो भी यहाँ पर पोस्ट डालते हो अपने वेबसाइट ब्लॉग पर, तो वो ऑटोमेटिकली उस पर नोटिफिकेशन सेंड किया जाएगा उसको। और जैसे उसको नोटिफिकेशन सेंड किया जाता है, तो आपके ब्लॉग पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रॉफिक आने में यहाँ पर मदद हो जाती है। यानी कि यहाँ पर आप इस तरीके से नोटिफिकेशन कैसे सेट कर सकते हो, फ्री में कैसे आप यूज़ कर सकते हो, 1 रुपया भी देने की ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। आप देख सकते हो, एक वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है। जैसे अलग से दे देता हूँ, तो इसके सारे के सारे नोटिफिकेशन मुझे आ जाएंगे। इसे मैं हटा देता हूँ, फिर से दूसरी एक वेबसाइट में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, इस वेबसाइट को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, उसके बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन आ चुके हैं। अगर आप हम इसे अलग से दे देते हैं, तो इसकी सारे के सारे नोटिफिकेशन हमें रिसीव होते रहेंगे और हम इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पर समझा जाएगा, और हम जैसे सब्सक्राइब कर लेते हो, तो हमें सारे के सारे नोटिफिकेशन इस वेबसाइट के सेंड किए जाएंगे। तो आप भी अपने वेबसाइट पर कुछ इस तरीके से वेब पुश नोटिफिकेशन लगाना चाहते हो, तो जरूर आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। तो चलिए बिना कुछ देर के वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो वेब पुश नोटिफिकेशन लगाने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन है और साथ ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जो कि पेड सॉफ्टवेयर है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। आपको बिल्कुल फ्री वाला तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसे आप यूज कर कर फ्री में अपने वेबसाइट पर नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ पर आना है क्रोम ब्राउजर पर। यहाँ पर आपको वन सिग्नल टाइप करना है, आप देख सकते हो एक नंबर पर आ जाएगा वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके पास ओपन होकर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पर प्रोफेशनल, यहाँ पर कुछ आप पेड करने के बाद इसे यूज कर पाएंगे, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको फ्री वाला यूज करना है। फ्री वाला यूज करने के लिए आप देख सकते हो, फिर से आपको इस पर क्लिक करना है। देन आप देख सकते हो, फ्री में आप यहाँ से ज्वाइन हो सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। तो आप देख सकते हो, खुद इनका एक नोटिफिकेशन पेज यहाँ से आ चुका है। यहाँ से हम नो थैंक्स करेंगे, इसे हटा देंगे। उसके बाद आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से बेल आइकन आ चुका है। आप भी अपने ब्लॉग पर नहीं तो वेबसाइट पर कुछ इस तरीके से बेल आइकन लगा सकते हो सब्सक्राइब करने के लिए। तो आपको यहाँ पर फ्री वाला स्टार्ट करना है, तो आपको कुछ भी पैसा पेड नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड नो का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से सबसे पहले एक ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद एक पासवर्ड सेट करना है, और आपका कंपनी नहीं तो आपका वेबसाइट का यूआरएल आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जल्दी से प्रोसेस में कर ले। तो आप प्रोसेस करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आपने सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको ईमेल ओपन करना है। ईमेल ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आपको यहाँ पर कंफर्म के लिए एक ईमेल सेंड किया जाएगा। ईमेल आपको ओपन करना है, कंफर्म योर अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ईमेल आईडी आपका कंफर्म हो जाएगा और नेक्स्ट इंटरफेस आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इस पर आपको क्या करना है, आप देख सकते हो सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है। यहाँ पर आपको जो भी कहता है आपको किस काम के लिए यहाँ पर जो ये क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पर जो सिलेक्ट करते जाना है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोई भी रीज़न आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं यहाँ से ऑर्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑर्डर सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो आपको यहाँ पर मार्केटिंग करनी है, तो आप मार्केटिंग भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो कंपनी आप यहाँ से चूज कर सकते हो, जिससे कि एजुकेशन मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर पहला वाला यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, हमें वेबसाइट के लिए चाहिए। तो उसके बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ जाएगा कंटिन्यू का ऑप्शन। तो कंटिन्यू इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट का नाम डालना है, तो आप अपनी वेबसाइट का नाम डाल सकते हो। अभी फिलहाल मैं एक वेबसाइट का नाम यहाँ से डाल देता हूँ, जैसे कि यहाँ से मैंने कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं फिर से इस पेज पर आऊँगा। पेस्ट करने के बाद हमें वेबसाइट का सिर्फ नाम डालना है, तो मैं जल्दी से इसे हटा देता हूँ कुछ इस तरीके से, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो। कुछ इस तरीके से वेबसाइट का नाम डालना है, तो उसके बाद आपको इस तरीके से आ जाएगा। वेब के लिए हमें चाहिए, वेब पर हमें नोटिफिकेशन सेंड करना है। अगर आप और ऑप्शन जानना चाहते हो, तो मोर ऑप्शन का यहाँ पर ऑप्शन है, इसे आपको सिलेक्ट करना है। देन आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ जाएगा वेब। आप जैसे सिलेक्ट करोगे, तो आप देख सकते हो सारे वेब पेज पर आपकी नोटिफिकेशन सेंड की जाएगी। इसे आपको सिलेक्ट रहने देना है, अदरवाइज ईमेल एसएमएस के थ्रू भी आप यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज आपके पास ओपन होकर आ जाएगा, जैसे कि ये हमारा पेज हो चुका है, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए पूछा जा रहा है, तो आप देख सकते हो। मैं भी लेटर यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, यहाँ पर आपको ब्लॉगर नहीं तो वर्डप्रेस के लिए चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक करना है।
इस पर क्लिक करने के बाद ब्लॉगर आपको सिलेक्ट कर लेने देना है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ब्लॉगर साइट सेटअप। यहाँ पर आप देख सकते हो साइट नेम आपको डालना है जो भी आपने डाला था, जैसे कि मैं फिर से वही साइट नेम यहाँ से डाल देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमने साइट नेम यहाँ से डाल दिया है। तो उसके बाद साइट URL हमने कॉपी किया है, पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको ये ऑन ही रहने देना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हो आप अपने साइट का URL यहाँ से पेस्ट कर सकते हो, साइट का लोगो यहाँ से अपलोड कर सकते हो। तो मैं जल्दी से यहाँ से लोगो अपलोड कर देता हूँ, यहाँ से चूज फाइल करूँगा और एक लोगो यहाँ से मैं अपलोड करूँगा, जो कि नोटिफिकेशन सेंड करते समय हमारा लोगो वापस सेंड किया जाएगा। कैसे सेंड किया जाएगा वो भी मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये लोड हो रहा है, तो मैं जल्दी से लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमने लोगो सिलेक्ट कर लिया, ओपन में क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लोगो है यहाँ पर साइज़ बराबर नहीं है, तो मैं जल्दी से साइज़ बराबर करके लोगो अपलोड करता हूँ। तो आप देख सकते हो लोगो हमने यहाँ से अपलोड कर लिया है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर लेबल चूज करने का ऑप्शन है। यहाँ से ये लेबल कहाँ पर दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारी साइट दिखेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने ये लोगो यहाँ से अपलोड कर दिया है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हिंदी जॉब्स लिखा रहा है। अगर आप इसे बदलना चाहते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन है, तो आप यहाँ से बदल सकते हो, कुछ भी टाइप कर सकते हो। अभी फिलहाल ये ऑटोमेटिकली लिया है क्योंकि हमने साइट का URL वहाँ पर डाला है। तो आप कुछ भी नाम यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से ये जो नाम है आप देख सकते हो, ये चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन ऊपर मिल जाता है। चाहो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, अभी फिलहाल मैं चेंज नहीं करूँगा। तो आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर कैसे दिखेगा आपकी नोटिफिकेशन, कैसे सेंड की जाएगी ये आपको दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पर टाइटल होगा, टाइटल जैसे कि हम कुछ भी डाल देते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर टाइटल आ जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम जो भी मैसेज टाइप करेंगे वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको दिखाने के लिए नोटिफिकेशन ऊपर से कुछ इस तरीके से आ जाएगी। और आपको लिंक, जैसे आप यहाँ से लिंक कमेंट करोगे तो लिंक कोई भी डालते हो तो लिंक ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेंड की जाएगी। जैसे कि हम इसे ऑन कर देते हैं तो कोई भी लिंक आप डालते हो तो डायरेक्टली यहाँ से लिंक सेंड की जाएगी। तो हम जैसे सेव इस पर क्लिक कर लेते हो तो कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर कोडिंग मिल जाएगी, यहाँ से आपको कोडिंग कॉपी करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, कॉपी इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कॉपी कर लेते हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पर फिनिश नहीं करना, सबसे पहले कोडिंग कॉपी करनी है। उसके बाद आ जाना है अपने ब्लॉगर पर। ब्लॉगर पर आने के बाद आपको जाना है यहाँ पर थीम वाले ऑप्शन पर। थीम इस पर क्लिक करने के बाद आप देखो तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ से आपको क्लिक करना है। एडिट HTML आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से आपको हेड का ऑप्शन मिल जाता है, इसके आगे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके आगे क्लिक करने के बाद आपको एक एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर लेनी है कोडिंग। उसके बाद फिर से एक एंटर आपको पेस्ट करना है। उसके बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारी कोडिंग यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, सेव इस पर आपको क्लिक करना है। तो सेव होने के बाद आप देख सकते हो प्रोसेसिंग बता रहे हैं, तो अभी फिलहाल प्रोसेसिंग हो रहा है तो हमें इसे सेव होने देना है, जल्दी से सेव हो जाता है। तो सेव होने के बाद हमें क्या करना है, जैसे कि आपको फिर से इस पर क्लिक करना है, तो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। उसके बाद हमें फिर से इस पर आना है। इस पर आने के बाद अब हमें यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन है, यहाँ पर फिनिश इस पर हमें क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो हमारा फिनिश यहाँ पर सेटअप हो चुका है, जैसे कि लोड हो रहा है। तो आप देख सकते हो डैशबोर्ड हमारे पास ओपन होकर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हो ऑल ब्राउजर लिखा रहा है, एक्टिव लिखा रहा है। चाहो तो आप SMS से भी यहाँ से सेंड कर सकते हो, ईमेल के थ्रू भी यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन है, इनके माध्यम से आप नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो। तो अब लाइव में आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको नोटिफिकेशन सेंड करनी है। इस सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर ऑडियंस, जितने भी ऑडियंस आपके सब्सक्राइब होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जिन पर आपके पास नोटिफिकेशन सेंड करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर न्यू पुश का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो भी नोटिफिकेशन आप सेंड करना चाहते हो दूसरों को, वो आपको यहाँ पर लिख लेनी है कुछ इस तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हो ऑडियंस आपके दिख जाएंगे। यहाँ पर ऑल यूजर सब्सक्राइबर को आप नोटिफिकेशन सेंड करना चाहते हो, इस पर आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको जो भी मैसेज टाइप करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी टाइटल लगाना है, जैसे कि मुझे लगाना है कुछ इस तरीके से, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ कुछ इस तरीके से, हिंदी जॉब कुछ इस तरीके से मैंने लिख लिया। तो उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ मैसेज टाइप करना है, न्यू न्यू पोस्ट, जो भी आपका पोस्ट का नाम होगा वो आप यहाँ से टाइप करेंगे। जैसे कि सिर्फ दिखाने के लिए मैंने न्यू पोस्ट टाइप कर लिया। यहाँ से URL जो भी आप लगाना चाहते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन सेंड की जाएगी। जो भी लिखे हुए कुछ इस तरीके से टाइप हो जाएगा, उस तरीके से नोटिफिकेशन सेंड की जाएगी। तो यहाँ पर जो भी URL आप लगाना चाहते हो, जैसे कि
मुझे एक पोस्ट की यूआरएल याद से लगा देंगे, तो यूआरएल मैं कॉपी करूंगा, जैसे कि इस पोस्ट की मुझे यूआरएल कॉपी करनी है, तो कॉपी लिंक एड्रेस, और इसकी नोटिफिकेशन मुझे सेंड करनी है यूज़र को, तो मैंने यहाँ पर डाल दिए, न्यू पोस्ट मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद आप दिसो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप दिसो तो सेंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सेंड इस पर क्लिक करने के बाद आपकी नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगी, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हमारा ब्लॉग मैं फिर से रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट फिर से यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप दिसो तो होम पेज कुछ इस तरीके से आ गया है। तो आप देखो तो कुछ इस तरीके से पेज आ चुका है। यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर पेज आ जा गएगा। जैसे कि कोई यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेता है, यहाँ पर सब्सक्राइब इस पर क्लिक कर लेता है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर अलाउ एक्सेस दे देता है। तो आप जो भी पोस्ट यहाँ पर लिख दोगे, उसके बाद नोटिफिकेशन सेंड करना चाहोगे, वो नोटिफिकेशन उसको सेंड की जाएगी। जैसे कि हमारा काम हो चुका है। अब हमारे जितने भी सब्सक्राइब बनते हैं, हमें यहाँ पर इस डैशबोर्ड पर दिख जाएंगे। जितने भी सब्सक्राइब होंगे, यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन है, इस पर आने के बाद जितने भी सब्सक्राइब होंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और साथ ही नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए आप इसको कुछ इस तरीके से टाइप करना है, टाइटल, मैसेज और लिंक आप जो भी सेंड करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से दिख जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड और रिव्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने का अभी फिलहाल एक भी सब्सक्राइब नहीं है, क्योंकि हमने अभी फिलहाल न्यू क्रिएट किया है। तो हमें यहाँ पर सेंड मैसेज का ऑप्शन होता है, इस पर हमें क्लिक करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारी नोटिफिकेशन यहाँ से सेंड हो जाएगी। तो आप देख सकते हो अभी फिलहाल हमने एक ही यहाँ पर जो अलग से दे दिया है, सब्सक्राइब कर लिया है, तो उसको नोटिफिकेशन सेंड की गई है। यहाँ पर डिलीवर लिखा आ रहा है, और उसको यहाँ पर हमने जो भी नोटिफिकेशन सेंड की होगी वो गई होगी, कुछ इस तरीके से एक काम करते हैं। अगर आप यहाँ पर फिर से दूसरा नोटिफिकेशन सेंड करना चाहते हो आपके सब्सक्राइब लोगों को, तो यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज फिर से आपके पास ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको न्यू पोस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ता है। बाकी की इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगी, यहाँ पर आप देख लेना बाद में आकर कितने लोगों ने यहाँ पर नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पर क्लिक किया है, वो सारी डिटेल में जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर न्यू पोस्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, फिर से वही मैसेज टाइप करके, जैसे कि टाइटल, मैसेज, उसके बाद जो भी लिंक आप सेंड करना चाहते हो वो डालकर, अब यहाँ से इमेज भी आप सेंड कर सकते हो। तो इस तरीके से आ जाता है। आप स्पेसिफिक टाइम भी यहाँ पर सेट कर सकते हो, कब टाइम पर हमारी नोटिफिकेशन सेंड की जाएगी वो भी आप ऐसे शेड्यूल कर सकते हो, और सेंड आप ऐसे कर सकते हो। तो इस तरीके से वन पुश का टू वाला वर्जन ऐसे काम करता है। सारी डिटेल में जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो डिटेल में जानकारी आपको देने की कोशिश की है, बिल्कुल फ्री में है, आप फ्री में यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सारी आपको यहाँ पर कुछ भी पैसा पेड करने का ज़रूरत नहीं है। मैं खुद इसको एक साल से यूज़ कर रहा हूँ फ्री वर्जन को, और मेरे सब्सक्राइबर वहाँ पर 1500 से ज़्यादा हो चुके हैं, उसके बावजूद मैं यहाँ पर फ्री वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपनी वेबसाइट पर वन पुश नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो। तो इस तरीके से डिटेल में जानकारी थी। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जो भी लाते हो इसको